उस्ताद जी, हमने कई बार ये बात सुनी है कि जो संगीत है उसकी कोई सरहद नहीं होती। आपको लगता है कि दोनों मुल्कों में जो इस तरह के रिश्ते जब खराब होते हैं और संगीत को लेकर जब बातचीत होती है, शायद प्राथमिकताएं कुछ और होनी चाहिए अभी दोनों ही देशों की? पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक ऐसा वक्त था, 25 साल तक कल्चरल साइलेंस था। 25 साल के बाद शायद वो 1981 था कि जब मुझे सरकार ने पाकिस्तान भेजा। उस ज़माने में वहाँ नटवर सिंह एम्बेसडर थे, मणिशंकर अय्यर कराची में काउंसलर जनरल थे। 25 साल तक ना कोई गया था ना कोई आया था, और वहाँ के बड़े बड़े म्यूजिशियन मुझे मिलने के लिए आए। नूरजहाँ से भी मुलाकात हुई, अभी तो मैं जवान हूँ जो गाती थी वो भी मिली, फरीदा खानम, बड़े बड़े म्यूजिशियन मिले। और फिर आज ऐसा एक दौर, अब फिर वैसा कुछ हालात बदल रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्प्रेरी है। क्योंकि एक घर में भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, एक घर में मामा के साथ झगड़े हो जाते हैं, चाचा के साथ झगड़े हो जाते हैं, वो थोड़े दिन के बाद फिर पैचअप हो जाता है। क्योंकि एक चने के दो दाल हैं भाई, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान ही था पहले, ज़मीन की वजह से टुकड़े हो गए, लेकिन स्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। स्वर वही सात स्वर हैं, सारे गामा पाधा नहीं, वही स्वरों में पाकिस्तान वाले गा रहे हैं, वही स्वरों में अमेरिकन गा रहे हैं, वही पूरे दुनिया का संगीत का आधार ये सात स्वर है। हर कंट्री अपने अपने तकलीफ़ों को ठीक करे, पहले अपने अपने देशवासियों की तकलीफ को ठीक करे। अटैक की ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्या हमें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है? जो है उसको तो ठीक करो ना। पाकिस्तान को ज़रूरत है, वहाँ भी गरीबी बहुत है, जो भूखे प्यासे आपकी कंट्री में है उसको, उनको खाना दो यार। ये अटैक का मतलब ही क्या है? वी आर नॉट केपेबल ऑफ अटैकिंग। अगर हमारा खुशहाली होती हमारे देश में कि हर आदमी को खाना पानी मिल रहा है, तब आप दूसरी ज़मीन के ऊपर निगाह डाल सकते हैं। लेकिन आप अपने देश को पैरों पे खड़ा करिए, हर आदमी कामयाब हो, हर आदमी को खाना मिले, शांति मिले। हाँ साहब, आपने तमाम नई रागों का निर्माण किया है, कई नई रागें बनाई हैं। अगर आसान शब्दों में आप ये समझा सकें कि एक नई राग को गढ़ने का, एक नई राग को रचने का जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो क्या होती है? अचानक हम गुनगुनाते हैं कुछ, तो ये एक धुन हम गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं हर वक्त। अचानक हमने रुके, हमने कहा ये क्या गा रहे हैं हम, ये है क्या? ये तो कोई ऐसी चीज़ जो भगवान की कृपा से एक ऐसी मेलोडी, एक ऐसी धुन हमारे पास आई। और जब हमने उसको एनालाइज किया कि अभी क्या क्या सुर लग रहे हैं इसके अंदर, पा मा गा रे सा नि सा धा नि धा पा मा पा नि धा रे पा गा मा रे पा मा पा नि धा नि सा नि धा पा मा धा मा पा मा गा मा गा रे गा पा मा धा पा मा पा धा नि नि धा पा मा धा मा पा मा गा मा गा रे गा। तो जब इसको हमने एनालाइज किया कि क्या क्या सुर लग रहे हैं इस धुन में, तब पता लगा कि तो कोई नई आत्मा आ गई है। तो फिर आत्मा खड़ी हो जाती है आके कि भाई आप मुझे पहचानते हैं क्या? तो नहीं, तो नया पहला रूप देख रहे हैं, तो आप मुझे अपनाते हैं या मैं जाऊं? तो हम उनको अपना लेते हैं उस मेलोडी को, और उसको एक नाम दे देते हैं। फिर तो इसका नाम हमने गणेश कल्याण रखा, और पहली बार गणेश फेस्टिवल में पुणे में हमने इसे बजाया। तो काफ़ी जगह हमारी जो अभी ऑर्केस्ट्रा हुई समागम, उसमें भी गणेश कल्याण का एक बहुत अच्छा कंपोजिशन है। तो आजकल हम विदेश की सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ ये हमने पहला कंपोज करा समागम, इसका रिकॉर्ड भी हो गया है। और बड़ी बड़ी दुनिया की अब ऑर्केस्ट्रा के साथ हम समागम बजा रहे हैं, और नया नया कुछ कर रहे हैं।
क्योंकि आजकल दुनिया को ये मर्ज कोलैबोरेशन ज़्यादा पसंद आ रहा है कि यूरोपियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, बाकी सोलो तो दुनिया बजाती रहेगी, हम भी सोलो बजाते रहेंगे, वो लोग भी सोलो बजाते ही हैं, लेकिन जो सिम्फनी का एक मज़ा है कि 150 म्यूजिशियन एक साथ सुरीला काम कैसे करते हैं, हमारे देश में नहीं हो पाया। हमारे देश में सब अकेला सोलो होता है, वो चलते ही रहेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरों की खूबी जब हमको पता लग जाए ज़िंदगी में, तब समझिए कि आपने कुछ जीवन में प्राप्त किया है। दूसरों की बुराइयों पे आपकी निगाह ज़्यादा रहती है, लेकिन दूसरों की खूबी है कि भाई उस गायक में क्या खूबी है, उस वादक में क्या खूबी है, या यूरोपियन म्यूज़िक की क्या खूबी है, या जैज़ की क्या खूबी है। तो ये खूबियों का जब आदमी को एहसास होने लगे और पता लगने लगे, तो ये भी अपने आप में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और बस मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया में अमन रहे, शांति रहे, हर संगीतकार अपनी मंजिल तक पहुँचे और हर देशवासी को पानी मिले, खाना मिले और शांति मिले, काम मिले और एक सिक्योरिटी रहे लाइफ की, जो सिक्योरिटी खतरे में पड़ती जा रही है दिन पर दिन, वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ देश में ही नहीं पूरे दुनिया में। और उसका कारण इकोनॉमिकल क्राइसिस है और मज़हब भी है, क्योंकि मज़हब, कोई भी मज़हब जब इंसानों के अंदर दहशत फैला दे तो उस मज़हब में कोई ना कोई खराबी है। मज़हब तो एक इंसान को ऊर्जा देने के लिए, एक शक्ति देने के लिए, कोई भी मज़हब हो, हम हर मज़हब की इज्जत करते हैं, लेकिन ये मैसेज दुनिया जल्दी समझ ले कि हम सबका एक ही रब है, हम कॉमन रेस हैं और हमारा कॉमन गॉड है। उस्ताद जी, सरोद एक बहुत मुश्किल वाद्य यंत्र माना जाता है, ऐसा क्यों है, अगर आप ये बता सकें, हमें समझा सकें, और कैसे कैसे इतनी लंबी जो आपकी साधना है उसमें आपने कैसे साधा उस पूरे उस एक ऐसे वाद्य यंत्र को जिससे लोग आमतौर पर बचते हैं। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में था, वो 81 की, तो पाकिस्तान में जो पंजाबी लोग हैं उनके अंदर मस्खरापन बहुत है, बहुत हंसते हैं, मजाक करते हैं, वो खुश रहते हैं, गरीब हैं, स्ट्रगल है। तो मेरे प्रोग्राम के बाद एक बहुत झुंड आ रहा लोगों का, एक आदमी को पकड़ के ला रहे, वो सूट बूट पहने हुए था, वो पंजाबी में मुझसे बात करी कि खान साहब एनू मिलो जी, एदा नाम है नज़र मोहम्मद, सरोद बजांदा सी, एना पैड़ा सा आज पीछे छड़ गया और उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया। मतलब ये कि ये सरोद बजाते थे, इतना मुश्किल साज है सरोद के इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और अब ये म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया। बेचारा वो हंसे या रोए क्या, वो खड़ा हुआ है, तो मिला वो। तो पुराने लोग ये कहते थे कि सरोद बेपर्द बाजा है, पर्दे नहीं है, इंग्लिश में उसको फ्रेट्स कहते हैं, बार्स कहते हैं, कि ये बेपर्दा बाजा है, बेपर्द बाजा है, अगर बजाने वाला ध्यान से नहीं बजाएगा तो उसको ये बेपर्दा कर देता है। तो ये बस ऊपर वाला मालिक की कृपा होती है कि सही जगह उंगली लगे, और उंगली भी बहुत चौड़ी होती है, हम उंगली से नहीं बजाते, हम उससे भी बारीक चीज़ से बजाते हैं, नाखून, जो नेल है, एज ऑफ द नेल्स, उससे हम तार दबाते हैं, जो मींड जो हम लेते हैं, तो हम सरोद के जरिए गाना गाते हैं, गाना गाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेपर्द साज है इसमें, जो जिस इंस्ट्रूमेंट में बो होता है, गज होता है, सरंगी है, वायलिन है, वो ज़्यादा गले के नज़दीक होते हैं। हिस्ट्री में आप देखते ही हैं, सरंगी बजती थी या वायलिन बजता था। तो हमारा जो कोशिश रही लाइफ में कि भाई ये साज क्या कहना चाहता है, हम सरोद बजा रहे हैं, ये एक अलग मैसेज है कि हम सरोद बजा रहे हैं,
यानी आप अपनी दिल की बातें कहना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास समय है ये जानने का कि सरोद क्या कहना चाहता है? तो उस पे हमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है ये जानने और समझने के लिए कि सरोद क्या कहना चाहता है, और सरोद की दिल की आवाज़, सरोद अपने दिल की आवाज़ क्या कहना चाहता है। तो वो इसलिए हमारा जीवन कनेक्टेड है इस साज़ से। इस साज़ का मतलब ही मौसिकी है। सरोद ये पर्शियन वर्ड है, जैसे सितार भी पर्शियन वर्ड है। सहतार यानी तीन तार का बजा, और ये सरूद इसका उच्चारण है, सरूद डबल ओ के साथ, जिसका मतलब है नगमा, तरन्नुम, मौसिकी।